ये लीजिए पुष्पा जी। लड्डू, नमकीन, तिल के लड्डू सब रख दिया। हद है, जिंदी चोरी की हद है। कलेवा कौन चोरी करता है भाई? बेचारी वृंदा, अभी 2 ही तो महीने हुए शादी हो गई है उसकी। उसका पति भी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है और यहाँ ससुराल में उसका कलेवा चोरी हो गया। बताओ, ऊपर से हमारे समाज का ये दखियानुसी सोच कि अगर नई ब्याहू दुल्हन अपने ससुराल में जाकर थोड़ा बहुत खा ले तो ससुराल वाला लोग को लगता है कि वो असभ्य है, संस्कृतिहीन है, पेटू है ना। उन लोग का नाक कट जाता है पूरा रिश्तेदार लोग के सामने। लेकिन वहीं उनका बेटा अगर पूरा जमाना खा के पचा जाए ना, डकार भी ना ले पेटू कहीं का, तो भी लगता है कि नहीं, हमारा बेटा तो बड़ा मासूम है, बड़ा प्यारा है। लेकिन इन सबसे परे है हमारा परिवार संतोष जी। हमारा परिवार अपनी बहू को ना एकदम सराखों पर बैठा कर रखता है और हम भी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ये तो रस्म है ना जीते, और कौन इसे किस तरीके से लेता है ये तो हर एक की सोच पर निर्भर है। अब देखो ना, तुम्हारी लाडली करिश्मा मैडम, हमारी बहू रानी, वो भी तो लाई थी अपने मायके से इतना भर भर के कलेवा, नमकीन, गजक, रसगुल्ले। पता है तुमको कितना मन किया था हमारा खाने का। लल्ला के पप्पा वो तो हमें बोल भी रहे थे कि चुपके से कोने में जाके थोड़ा सा खा लो। तब तो पूरा चाट गई होंगी। बस हमने हाथ तक नहीं लगाया उस कलेवे को। हमको तो नहीं लगता है कि आप करिश्मा मैडम कलेवा में से बिल्कुल कुछ खाए ही नहीं होंगी। क्यों संतोष जी? संतु, क्या हुआ? ऐसी बोराई क्यों खड़ी हो? नहीं, अब वो हर वक्त थोड़ी ना बकबक कर सकती हूँ पुष्पा जी। कितना सारा काम बाकी है, अब कितना ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे हम। संतु जी बताइए, आपका कौन सा काम बाकी है? हम है ना पूरा मदद करने के लिए। चलिए काम निपटा। तुझे बोला मैंने। संतु जी सॉरी चीते, मैं तू कर तेरा काम, मैं अपना करूंगी। ठीक है। इसे क्या हो गया? पता नहीं क्यों उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। हम क्या, हम कुछ नहीं किए हैं। उर्मिला का फोन। हाँ बोलो। हाँ बोलो, का इस तरह सीनियर है मैं सीनियर। हाँ जी बोलिए। सॉरी मैडम सर, बोलिए। हाँ जी बोलिए मैडम सर। हाँ ये हुई ना जूनियर वाली बात। अता एक कलेजा तैयार है? कलेवा। हाँ वेरी गुड। हाँ गुजिया, तिल के लड्डू, नमक पारा, टिकरी, खाजा, सब कुछ। हाँ मैंने सब रख दिया है। अब ये आइटम सुन, कलेजे में और एक आइटम रखने का है। क्या रखना है? कल्ला। क्या पगला गई? ये क्या क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे? कलेजा चोर पकड़ने का है कि नहीं? कलेवा चोर। अरे अभी तो मेरे जुबान का लोबान बाद में चलना, मैं जो बोल रही पहले वो कर। हाँ ठीक है, मगर ऐसे कैसे? हम सीनियर कौन? मैं ना, तो मैं जो बोल रही है वो चुपचाप करने का, ये बेस्ट आइडिया है कलेजा चोर को पकड़ने के लिए, समझ गई? मुंडी मत हिला, मुंह से बोल, फोन पे में। हाँ हाँ समझ गए। हाँ अभी जय हिंद बोल। जय हिंद। जय हिंद पुष्पा जी। क्या है तुम्हारा? टिक 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 बात कर रहे हैं ना, बताएंगे ना हम तुमको सब कुछ। लाउड स्पीकर पर रख देती, हम खुद जान जाते। ये क्या बोल दिया उर्मिला ने हमें करने के लिए? कहीं उनका ये प्लान हम पर ही ना उल्टा पड़ जाए। ये लीजिए मैडम कलेजा। आली आली आली, ए रुको रुको रुको, मेरे को भी देखने का है। ए क्या मस्त कलेजा है रे, भारी है। क्या हुआ? किसको? तुमको पूछ रहे हैं ना। कुछ नहीं, वो रात को बस नींद ठीक से नहीं आई इसलिए। क्यों, क्या कर रही थी? ध्यान रखो ना संतू अपना, सोया करो, नींद पूरा किया करो ना। हाँ हाँ मैं जाऊँ? जाओ, ये लगाओ कान पे। ए थैंक यू, कितना ध्यान रखती तू मेरा। मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से वो जो बड़ा चश्मे वाला है ना, उसका गाना नहीं सुना, वो एकदम दुफचिक दुफचिक वाला। ये तुम्हारा गाना सुनने के लिए नहीं है तो? ये इसलिए है ताकि हम तुम्हारे संपर्क में रहे। ये क्या अभी तू कान में भी किचकिच करेगी? हाँ किचकिच करेंगे, और तुमको बताते रहेंगे कि
कब कहाँ और क्या बोलना है ताकि तुम बवंडर ना मचाओ। ए चटक चांदनी, टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। और मैं तेरे को बता रही है, ये महातारी ने ऐसा क्या मस्त एक नंबर कलेजा बना लिया है। क्या आवाज आ रही है रे, इसको देख के 100% गारंटी वो चोर आएगा। नक्की मैं लिख के दे रही तेरे को। तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना? नहीं, ये तुम्हारी ये जो बिल्ली जैसी आंखें हैं तभी चमकती है जब तुम्हारे दिमाग में कुछ खुराफात चलता है, हमको मालूम है। खुराफात का दूसरा नाम है उर्मिला महादेव मात्री। पर मैंने कोई खुराफात नहीं कह रहे, मेरी आंखें ही जैसी है बिल्ली की जैसी, ऐसी चटकीली। अभी जाओ। इस बार तुम कोई गड़बड़ कर भी नहीं सकती हो उर्मिला, क्योंकि तुम्हारे तक पहुंचने का ना हमने बहुत बढ़िया वाला इंतजाम किया, तुमको पता भी नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। ए मेरे को एक बात बता, उस दिन वो जब गुंडे लोग मेरे को उठा के लेके गए थे, तेरे को कैसे मालूम गिरा कि मैं किधर है? भाई संतु के वजह से, उसने तुम पे ट्रैकर लगा के रखा था जिससे हमें पता चल गया कि तुम किस लोकेशन पे हो। हमें हमारे स्टाफ के नकारे दक्षता पर बहुत गर्व है, सबको अपना काम बहुत अच्छे से आता है। अगर वो नहीं लगाती तो फिर कैसे पहुंचते तुम तक? हाँ, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से वो आदमी डिपार्टमेंट के अंदर का आदमी है, और वो आदमी तुम्हारे थाने में से ही कोई है। कहीं संतोष ही तो नहीं सबके पीछे? वो खुद साइबर एक्सपर्ट है, उसके लिए मीरा को ओवरराइड करना आसान होगा। नहीं नहीं, बच्ची है संतोष, इम्पॉसिबल। अगर वो नहीं तो फिर कौन हो सकता है? और सुनो, तुम याद रखो, हाँ, तुम दुनिया के लिए अभी भी हसीना मलिक ही हो। अब तुम यहाँ से सीधा जाओगी, राइट में उनके घर पर जाओगी, मार्केट में बिल्कुल टाइम पास नहीं करोगी, समझी? किधर जाने का था, लेफ्ट की राइट? ए, चटक चंदी, आई मैं जानती हूँ सर कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। और अब तक मुझ पे किसी को भी शक नहीं हुआ है। होना भी नहीं चाहिए। तुम जानती हो अगर किसी को ये बात पता चली तो क्या होगा? हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, और मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन तुम तो खत्म ही समझो। ये संतोष शर्मा किससे बात कर रही है और किस मुसीबत का जिक्र हो रहा है? मैडम आप यहाँ पे रुकिए, अंदर चलिए, आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, चल रही है ना, चल। अम्मा बताओगी भी क्या चल रहा है वहाँ पे? थाम थाम सबर पकड़ बताती सब। जी कुछ कहा आपने? हाँ वो नहीं, मैं बस बता रही थी कि मैं कौन हूँ। सासू माँ, ये है हमारी दोस्त हसीना। हसीना जी, ये है हमारी सासू माँ। नमस्ते। और ये है हमारी छोटी ननद शीला, और ये है हमारे देवर जी नुकुल। हेलो। अब तो कैसे आना हुआ हसीना जी? अरे वो हम, हाँ वो हम, इनकी अम्मा ने, मम्मी ने भेजा है आप लोगों के लिए कलेजा। कलेवा? कलेवा। यही तो बहुत अच्छी बात है, माँ के हाथों का स्वाद जैसा स्वाद और कहाँ मिलता है। हम भी चख लेते अपने संबंध के हाथों का स्वाद। पर ये सब हम कहाँ खाते हैं? अपनी सहेली को कुछ चाय वाय पिलाई की नहीं? अरे बैठो 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 बैठो, मैं ले आती हूँ बना के। आजा बेटा, आजा। मस्त कड़क अदरक डाल के। हाँ हाँ। सुनो उर्मिला, सबने डब्बा छू लिया है ना? हाँ। बहुत बढ़िया बात है, अब सबका फिंगरप्रिंट उसमें से साफ कर दो और उस डब्बे को वृंदा को दे दो, समझ गए? ओके, हो गया। चाय लीजिए। ये लो हसीना। हाँ, जी जी चाय। शुक्रिया। बेटा इसे ले जाना और ध्यान से ना इसे अपने कबड़ में रख देना और ताला लगा देना। तुम तो वैसे भी अपने कमरे में रहती हो, और तुम्हारे रहते इसे कौन हाथ लगाएगा? हुँ? जी सासू माँ। माँ। बहुत बढ़िया, अब ये कलेवा चोर जो है ना वो अपना कारनामा जरूर दिखाएगा, देखना जो हमें पता है 100% दिखाएगा। अब फिर आ जाएंगे उसकी फिंगरप्रिंट्स और हम उस तक पहुंच जाएंगे। इसकी मैया का सासू मैया। वृंदा, हमें जो है आपका शहर देखने का बहुत मन कर रहा है, तो ये आपके देवर हमें ले चलेंगे? जरूर नकुल भैया, चलिए ना। जरूर जरूर, आपके मेहमान हमारे मेहमान। चलिए आपको दिखाते हैं हमारा प्यारा लखनऊ। चलिए चलिए जाओ।
हरट मतलब थोड़ा धीरे धीरे खाइए ना, आराम से खाइए, हमें भी खाना है। नहीं एक्चुअली माँ खाने नहीं देती ना, तो बहुत कम खा पाती हूँ, इसलिए आपकी वजह से टेस्ट करने मिला। अरे रे मखा मखा खाओ खाओ आराम से खाओ। दादा मुझे भी। उम्मीद है उन हमलावरों को पता होगा कि हम यहाँ हैं और वो आसानी से हमें निशाना बना सकते हैं। शायद संतोष नहीं, नहीं नहीं संतोष नहीं, वैसे भी उन्हें पता ही होगा कि हम किस वक्त कहाँ होते हैं। वो हमलावर हम पर हमला करें तो बात आगे बढ़े। जी बहन जी, कुछ काम था आपको मेरे से? नहीं नहीं माफ कीजिए, हमें लगा कोई और है, आप जा सकते हैं। ठीक है मैं फिर जाऊं। जी जी जाइए। अरे चटक चांदनी, ये मेरे को लगा कि ये वही है, वही वाला गुंडा जो मेरे को उठा के लेके गया था। तो अरे मैं चेक कर रही थी, तुम लोग की मदद कर रही थी मैं। तो दूर रहो ना इन सब से, जितना कहा जा रहा है तुमसे तुम उतना ही करो ना उर्मी। फालतू इन चक्कर में पड़ोगे तो जान से जाओगे, हमारी बात को समझो तुम। अब जाओ जाके वो फैमिली वाले वहां खड़े, जाओ उनके साथ घर जाओ, जाओ अभी जाओ। ए चटक चांदनी, मैं पहले ही बोली थी मेरे से ठीक से बात करने का, डील हुआ है अपना, गुलामी नहीं कर रही है मैं तेरी, इसलिए मेरे से बात करने का है ना तो प्यार से बात कर, नहीं जमता है ना तो ऐसा इशारे में बात करेगी तो भी चलेगा, वरना कोई जरूरत नहीं है मुंह खोल के ऐसा सड़ेला कांदे जैसा बात करने की मेरे से। हमारी सीधी आंख फड़क रही है, ये अच्छा शगुन नहीं है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, अब तो लल्ला की शादी के बाद हमारे साथ बुरा होने के लिए बचा ही क्या है, अब तो काल देवता के पास भी हमारा बुरा करने के लिए कुछ बचा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, मगर कुछ भी हो सकता है, शिवजी बचाइए हमें, ये भौकाली देवी पता नहीं कौन सा नया भौकाल दिखाने वाली है। क्या हुआ पुष्पा जी? क्या हुआ क्या पूछ रही हैं आप? हमारी आंखें बंद, ये आपकी तो खुली थी ना, आप देख नहीं सकती थी हमारी आंखें बंद, कुछ आगे बोल देती ना, इतने डर गए हम, डर के मारे अभी अगर हमें अटैक आ जाता तो। आप हमारा जिक्र कर रही थी। हाँ वो आपको तो पता है ना हमारी आदत है, हम शिवजी के साथ बातें करते रहते हैं, तो हम शिवजी से कह रहे थे कि कैसे हमारे लल्ला की शादी के दिन हमारी भाइयाँ फड़क रही थी, और कैसे कि देखो सब कुछ अच्छा 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 ही हुआ। हमारे लल्ला के भाग फूट गए। नहीं नहीं फूल के फुदक रहे हैं। टोपा बना रही हैं आप हमें? हमें मालूम नहीं है जब आपका यहाँ आँख फड़कता है तो क्या होता है, आप हमारे खिलाफ पैतरेबाजी करती हैं, आपको छुपा तो नहीं रही है हमसे पुष्पा जी? ना झूठ मत बोलेगा हमसे, बताइए कहाँ छुपा रही है, बताइए बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। अरे कहाँ हम कहाँ आपसे कुछ छुपा रहे हैं? हमारे पास और कोई दूसरा काम नहीं है क्या आपसे बातें छुपाने के अलावा? पुष्पा जी आपने कोई घपला तो नहीं कर दिया है? वो कलेवा में कुछ तो घपला नहीं किया आपने उर्मी के साथ मिलकर? देखिए झूठ मत बोलेगा हमसे, सच बता दीजिए अभी, बताइए। हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने मन से कुछ नहीं किया, वो जो कुछ भी कराया ना उर्मी लाने कराया, हाँ अपनी सीनियरिटी की धोस जमा कर हमसे ही करवाया। अच्छा वो उर्मी सीनियर का धोस आप पे जमा रही थी, और कहाँ करवाया बताइए? वो जो हाँ क्या क्या कलेवा है ना, कलेवा का कहाँ बता रहे ना, उसके जो पकवान है उसमें मिर्ची भरे है। मिर्च का आप
आपका कोई भेजा बुद्धि है कि नहीं? वो सीनियर का क्या दोष जमा रही थी आपको, हमको समझ में नहीं आ रहा है? ए चटक चन्नी, काहे के लिए इतना बम मारती है? जब देखो तब चिल्लाती रहती है। अभी सुन, ये जो मस्त सुपर वाला आइडिया है ना, ये मेरे ही सुपर भेजे से निकला है। मैं ही बोली थी कि ये कलेजा का जितना भी आइटम है, कलेवा में, वेरी गुड, इस सारे आइटम के अंदर मस्त मिर्ची मसाला भर के उनको देने का, ताकि जो भी है कलेजा चोर है, कलेवा चोर है, वो इस आइटम को खाएंगा, उसको जलजला होएगा और हर जगह तन बदन में आग लगेंगी। और वो क्या करेगा? हिचकी। तो जो जितना जोर से हिचकी मारेगा वही अपना कलेजा चोर, कलेवा चोर, वेरी गुड। और वो जो अपना, सॉरी, वो जो अपना आइटम है ना चिकना, उसको बोली मैं कि मेरे पे नजर रखना जरा बंद कर और इधर इन लोग पे नजर रख। तो वो नजर रख रहा है, थोड़ी देर में अपने को सब बताएगा। चीता, हाँ खा भैया, कौन गाँव? जौनपुर। जौनपुर में मेरी बुआ का ब्याह हुआ है। कहाँ पे जौनपुर में? हाँ बुआ प्रणाम, जौनपुर। हेलो बुआ, हेलो, नेटवर्क ही यहाँ पर खराब है यार। हेलो, नेटवर्क ही नहीं। हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक ठीक बुआ। मिर्ची, पानी। अच्छा गावत आणि वडा पावत, ये सास तो गिरगिट निकली। बताइए क्या दिखाना था आपको? क्या दिखाना था आपको? सासू माँ, ये कलेवा चोर मेरी सासू माँ है। श्री राम जी, तो आप लोग किस चीज का वेट कर रही है? उन्हें पकड़िए, आपको पता चल गया ना कि कौन चोर है कलेवा। बरोबर का बरोबर ना, मतलब घर का मामला है, आपकी अभी अभी शादी हुई है, घर उजड़ सकता है। हसीना मैडम होती ना यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। बरोबर। कैसी बातें कर रही हैं आप? हसीना मैडम खड़ी है ना आपके सामने, खड़ी है हसीना मैडम। हाँ हाँ वही ना, मतलब हसीना मैडम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगी ना कि ऐसा हो। वो कभी नहीं चाहेंगी कि किसी का घर उजड़ जाए। वो पहले तहकीकात करेंगी, पहले पता लगाएंगी कि ऐसी हरकत जो हुई है उसके पीछे का कारण क्या है, काहे आपकी सास ने ऐसा किया। ऐसा ही करेंगी ना आप हसीना मैडम? मूड बदल गया। हाँ तो सही तो कह रही हैं। हम आपको बताते हैं कि ये सारा काम ना मेरी सास का किया धरा है। मैं सब जानती हूँ, मुझे परेशान करने के लिए ये सब किए, इसीलिए उन्होंने मेरा कलेवा चुराया। एक मिनट, आपके शादी को 2 महीना हुआ है ना? हाँ 2 महीने ही हुए। हाँ तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी सास आपको सताना चाहती है या आपको पसंद नहीं कर रही है या किसी बात से भी मतलब आपसे पंगा ले रही है, ऐसा कभी कुछ आपको लगा है? या आपके खीर में छिपकली मिला डाली? मतलब मैं पिचकर में देखा है ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैसे तो वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे बहुत प्यार भी करती है। अच्छा, फिर भी आपको लगता है कि आपकी सास ने सताना था आपको, इसलिए उन्होंने ऐसा हरकत किया, आपके कलेवा में से सामान चुरा लिया? अगर प्यार करती है तो आप एक बार सोचिए तो सही। उन्होंने ऐसा हरकत करने का कोशिश किया तो कोई तो कारण होगा जिसका हमें पता लगाना है ना। मान लीजिए आपकी माँ ने ऐसा हरकत किया होता तो क्या आप उन पर इल्जाम लगाती, या पहले ये पता लगाती कि आपकी माँ ने ऐसा हरकत काहे किया, क्या कारण रहा होगा? हाँ, हमें बहुत खुशी है कि करिश्मा सिंह हमारे जज्बात के नजरिए का इस्तेमाल कर रही हैं और बहुत जल्द कलेवा चोर को पकड़ भी लेंगी। हाँ ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतनी तरफदारी क्यों कर रही हैं उनकी? हाँ तरफदारी नहीं कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं जो हमारे महिला पुलिस थाना का सिद्धांत है, और वो सिद्धांत ये है कि इलाज दर्द का नहीं बीमारी की जड़ का होना चाहिए। 100 गुनहगार मर जाए लेकिन घर नहीं उजड़ना चाहिए, ये हमारी मैडम सर का सिद्धांत है। हमारे थाने में आने वाला हर एक केस जज्बातों से सॉल्व किया जाए, गुनहगार जो है उसको डरा कर नहीं बल्कि उसको जगा कर उससे सच निकलवाया जाए, उसको थप्पड़ मार कर नहीं बल्कि उसको थपकी देकर सच निकलवाया जाए। और अब हम ये बात समझ गए हैं। अरे पण मला, मेरे को एक बात बता कि अपने को मालूम है कि जुर्म हुआ है तो फिर फालतू में जज्बात का फुटेज वेस्ट करने की क्या जरूरत है?
पकड़ लेते ना उसको, जेल के अंदर डालते हैं, केस सॉल्व। कहा ना हमने, हमारा काम करने का तरीका ये नहीं है मैडम सर। हम घर को बचाते हैं, उसको तोड़ते नहीं है, समझ रही हैं आप हमारी बात को? अरे चटक चांदनी, तोड़ना तो अपना धंधा है ना। मतलब आप पुलिस वाले हैं और अगर कोई कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे हम तोड़ेंगे, ये हमारा काम है कि नहीं? मैडम सर आप हमें मत समझाइए कि केस कैसे सॉल्व करना, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम अपने तरीका से मतलब जज्बातों से हम केस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम पता लगाते हैं कि आपकी सास ने ऐसा काहे किया। देर आए दुरुस्त आए। क्या बात कर उससे, बता क्या मांडोली करने का तुम लोग करो। सुनो तुम्हें क्या करना है कि तुम नाज है आप पर करिश्मा सिंह, बिल्कुल हम वही करते जो आप अभी करने जा रहे हैं। हमारी मौत के नाटक ने बेशक आपका दिल कितना भी दुखाया हो पर आपको वो बना दिया जो हम हमेशा से आपको बनता देखना चाहते थे, बहादुर, समझदारी और जज्बातों के सही संतुलन वाली करिश्मा सिंह। अब देखना यह है कि केस आप सॉल्व कैसे करते हैं। संतोष जी, संतोष जी इतनी रात को आप हम यहाँ पर क्या कर रही इतना रात को? संतोष जी वो मैं अपना बैग भूल गई थी ना तो वो लेने आई थी, मैं निकली। आपका फोन भी नहीं लग रहा था, कहाँ थी कहाँ? हाँ वो मेरी फ्रेंड आगरा से आई थी तो उसी से मिलने गई थी, पिंकी नाम है उसका। और मेरा फोन जो है वो बैटरी चली गई थी इसलिए तुझे बता नहीं पाई थी। अच्छा ठीक है, फिर यही बात अब पेट से हाथ हटाकर बोलिए तो जरा। क्या संतोष जी, पूरा लखनऊ शहर जानता है कि जब कभी आप झूठ बोलती है ना तो इसी पेट पे ऐसे हाथ रखती है। क्या छुपा रही है हमसे संतोष जी, बोलिए ना, काहे झूठ बोल रही है आप? तुमसे क्या हुआ था बताइए। कुछ नहीं हुआ है, ठीक है छोड़ ना, मैं जा रही हूँ। संतू जी, संतू जी मतलब दोस्त मानती है ना आप हमको, ये भी जानती होंगी कि दोस्ती में झूठ का कोई जगह नहीं होता है। संतू जी देखिए, संतू जी हम आपको ये भरोसा तो नहीं दिला सकते कि आपका जो दिक्कत है, आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बात का यकीन जरूर दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े जरूर रहेंगे। संतू जी बताइए हमको क्या हुआ है, कहाँ इतना परेशान लग रही हैं, बोलिए। तो प्रॉब्लम ये है कि मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा पर इस परेशानी से मैं बाहर नहीं निकल पाई थी। हमको एक बार बताई होती, इतना बड़ा मुश्किल का बोझ अपने कंधा पर लिए घूम रही हैं आप तब से। अरे हम साथ में रहते हैं ना आपके, मदद करते हैं आपका सॉल्व करने के लिए। आई आई आइए हमारे साथ, आई आई। चीते मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर किसी को कुछ भी पता चल गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। संतू जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्यों डर रही हैं आप? कौन है यहाँ पर हम दोनों के अलावा? हम लोग ढूंढ लेंगे उसको, आखिर में ढूंढना तो है ना उस चीज को, है? आइए हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं, आप ढूंढिए उधर। डमसर ने कहाँ रखा होगा? क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप दोनों इस वक्त हमारे केबिन में कर क्या रहे हैं? क्या ढूंढ रहे थे? हमें आप दोनों से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। नहीं मुझसे गलती हुई है मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है मैंने। जानबूझकर? संतोष शर्मा अब हम आपको असलियत बताते हैं। नहीं मैडम, मैडम मैडम इससे पहले आप कुछ भी इससे कुछ गलत समझे ना, हम सच में बता दे रहे हैं कि पिछले साल ना मैडम सर को ना ऑफिसर ऑफ द लखनऊ का अवार्ड मिला था।
उसी के लिए उनको एक मेडल मिला था, और वही मेडल ना संतु जी से खो गया है, इसीलिए इतना ज्यादा परेशान है। मैडम सर के जाने के बाद करिश्मा मैडम ने ये काम मुझे दिया था कि मैडम सर का जितना भी सामान है सब मैं अच्छे से पैक करके उनके घर पे छोड़ दूं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं लिस्ट बनाऊं, और फिर जब मैंने चेक किया तो वो मेडल ही गायब था, वो मुझे मिला ही नहीं। संतु जी के दूर का भाई जो पुलिस है उसको मदद के लिए बुलाई, वो भी बेचारा खोजा, ये भी खोजी, फिर भी नहीं मिला। और इनको इसी बात का डर था कि अगर ये बात बाहर आ गया उनका नौकरी चला जाएगा। तो ये बात थी, हमें लग रहा था कि संतोष शर्मा हार्ड डिस्क के पीछे है और हम पर हुए हमले में उन गुंडों के साथ थी। बस इतनी सी बात थी या खुदा, हम तो डर ही गए थे। अरे इधर तो कोई है नहीं, पालू फालतू में मैं हसीना भर के खुदा बदा सब बोल के। अरे मेरे को क्या लगा मालूम कि ये तुम लोग, ये जो मेरा पर्स है ना इसमें से पैसा बटाने को है। क्या ये पर्स? इसमें मैं ऐसा रोकड़ा रखती है ना, तो मेरे को लगा तुम लोग वो हाथ साफ करने को आए उस पर। ऐसा चोर समझ रही है हम लोग को ये? अरे नहीं नहीं, टेंशन नहीं लेने का, चलो चलो अभी ढूंढते वो तुम लोग का वो क्या था रे, वो मेडल 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 खोजते हैं हम लोग उसको। हाँ हाँ खोजते खोजते, चल। मेडल मिल गया। हसीना का मेडल मिला किसको? और मिला को तो मुझे माफ कर देना मैडम सर, आइंदा आपकी हर याद को अपनी जान से लगा के रखूंगी मैं। I'm sorry मैडम सर, I love you, I miss you। इससे एक बात तो तय है कि संतोष और चीता ना तो हार्ड डिस्क के पीछे थे और ना ही हम पर हुए हमले में शामिल। अरे तुम्हारी हसीना मैडम बहुत लकी थी रे, जो उसको तुम लोग के जैसा प्यार करने वाले लोग मिले। पता है उमरिला जी, असल मायना में भाग्यशाली ना हम लोग हैं कि हम लोग अपना पूरा जिंदगी में थोड़ा सा भी वक्त हसीना मैडम जैसा शख्सियत के साथ बिताने का मौका मिला। हमको ना अभी भी ऐसा एहसास नहीं होता है कि हसीना मैडम जा चुकी है, उनके आस पास होने का एहसास लगा रहता है कि मैडम सर यहीं पास में है, हम लोग को देख सकती हैं, हम लोग से बतिया सकती हैं, इसे हाथ पकड़ के छू सकती है, हम लोग को लगता ही नहीं कि गई हूँ, लगता है कि क्या। छोड़िए आप बताइए कि कलेवा वाला केस पर कुछ प्रोग्रेस हुआ कि नहीं, आप कुछ आइडिया वाइडिया निकाली कि नहीं मैडम? हाँ, अरे नहीं नहीं, मैं मेरे को क्या, वो चटक चांदी बोली मेरे को कि वो ये केस अभी अपने तरीके से हैंडल करेगी, तो मैं बोला कर। करिश्मा मैडम ने ऐसा बोला? हाँ, सब जानते हैं वो कैसे सॉल्व करती है, वो मैडम सर की तरह सोचती ही नहीं है। करिश्मा सिंह ये केस बिल्कुल हसीना मलिक की तरह ही सॉल्व करेंगी। वो देख चटक चांदी अपना इंतजार कर रही है। अरे मैं ये प्रस लेने को आई थी ना। वेरी गुड वेरी गुड, चल फिर तेरे को रास्ते में घर फेंक देते। फेंक? छोड़, घर छोड़ दे। ए, ये तेरा नाइट ड्यूटी है ना? हाँ? मैं रुकूं क्या तेरे साथ? घर चलते हैं। नहीं नहीं, इनको रास्ते में फेंकने का आइडिया ठीक है। आप चलिए चलिए। अमन नहीं मिली आपकी जाने मन, जब आपकी जाने मन मिल जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? धन्यवाद। क्या हो गया मैडम, आप ठीक तो है ना?
मतलब इतना ज्यादा परेशान लग रही हैं आप। किसी ने एकदम सही बात कहा है जीते, बांस के पेड़ पे आप वर्षा ऋतु का जल डाल दो या तिल मिलाती हुई धूप डाल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें वो भावहीन और बुद्धिहीन पेड़ जिसमें आज तक मैडम सर का जज्बात घुस नहीं पाया, हमें पहुंचना उसकी सास तक और उसका हृदय परिवर्तन करना उसकी सास का। समझ नहीं आ रहा लेकिन कैसे करें। नहीं, जो इंसान आज तक अपनी पर्सनल सास का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाया वो दूसरे की सास का हृदय परिवर्तन कैसे कर पाएगा, इसमें तो असंभव बात है। का मतलब है तुम्हारा? नहीं पुष्पा जी, रोज आपके टिफिन से कुछ ना कुछ चुरा कर खा जाती हैं, आज तक आप रोक पाए का उनको? नहीं ना, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने सास का सूद लीजिए। एक नंबर की चटोरी है हमारी सासू माँ, वो नहीं सुधरने वाली है, बावली हो जाती है टिफिन का खुशबू सूंघ के। वो हमें कागज में भी लिख के दे देंगे ना चीते कि आज के बाद हम आपका टिफिन चुरा कर नहीं खाएंगे, हम तब भी नहीं माँ। माँ टिफिन लेके आओ। अब ये करेगा बवाल, अब पुष्पा जी कभी भी हमारा टिफिन चुरा के नहीं खाएंगे, देखना। आज तो बहुत थक गए, भूख भी लगी है, अब क्या। टिफिन की खुशबू, करिश्मा जी का टिफिन। देख लेते चुड़ैल क्या लेकर आई है टिफिन में। गुजिया मायके से कलेवा आया है। मैडम चलिए, मैडम आपका मरने का इंतजार कर रही है उनके, चलिए चलिए मैडम। पुष्पा जी क्या हो गया आपको? बाप रे, देख ली ना कलेवा चोरी का अंजाम, लग गया बहू का अभिशाप आपको। क्या हो गया पुष्पा? हम पानी लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं। मुड़िए पीका मैडम, सिक्सर मार दी क्या? मतलब चिट्ठी में सब लिखा है, पढ़ी उसको। हम जानते हैं कि आप ही हो जो रोज हमारा टिफिन चोर से पढ़िए। पढ़ रहे ना? जो हमारे टिफिन का खाना चुरा कर खा जाती है, और हम जानते हैं ऐसा क्यों है। अब आपको तो डॉक्टर ने तेल चखने से मना किया है, इसीलिए हमने अपने टिफिन में आपकी पसंद की चीजें बनाकर रखना शुरू कर दिया है, वो भी शुगर फ्री और ऑयल फ्री, ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। एक बात बोले, आप बड़ी है, मालकिन है घर की, आदेश दीजिए हमको जो भी खाना है, जो आप कहेंगे वो टिफिन में भर के रखेंगे। आपको पता नहीं मगर हम तो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, और बेस्ट फ्रेंड से कैसे चोरी। हमें माफ कर दीजिए, आइंदा से हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके टिफिन पर अपना हाथ बिल्कुल साफ नहीं करेंगे। पक्का पक्का पक्का। पर एक बात का एकदम पूरा संतुष्टि है कि करिश्मा मैडम ना हसीना मैडम का सारा ट्रिक सीख गई। लेकिन नहीं नहीं, मगर ये अगर आपका ट्रिक है तो ये तो गुजिया हमने आपके सामने खाया इसलिए हम पकड़े गए ना। समझो, अगर ये गुजिया हम कहीं और जाके बैठ के खाते तो आपको थोड़ी ना पता चलता। पॉइंट है ले, तो फिर कैसे होगा किशोरी जी का हृदय परिवर्तन? मच्छी मार्केट बना रखा है, और तुम्हारा दिमाग बोरा गया क्या, टोपा गई हो क्या?
मतलब ऐसा आपको मैडम सर इनको इन टोपा लोगों को बोलना चाहिए। टोपा गए हो क्या जो छीछा लेतर मचाया हुआ इन लोगों ने, वो भी SHO हसीना मैडम के सामने। ए, ये लोग ने पहले राड़ा झगड़ा शुरू किया इन लोग ने पहले। आप शांत हो जाइए। अरे मैडम सर क्या हो गया? नहीं मतलब यहाँ क्या हुआ है हम पूछ रहे हैं, यहाँ क्या हुआ है वो बताओ हमको पहले। अरे मैडम सर बोल रही थी कि औरत जो है किसी से कम नहीं है, हमने मान लिया फिर भी उकसाती रही है। अरे उकसाती रही है। हाँ यही। और मैडम सर बोली बोले कोई भी मर्द सबको हरा देंगे, बस पंजा लड़ने लग गई है। और जब इन्होंने पंजा लड़ा तो हार गई, फिर बोली बेईमानी से हराया। अरे खुद कमजोर है, दोस्त हम पे जमा रही है। मैडम सर रिसर्च के हिसाब से होती हैं कुछ औरतें कमजोर, क्योंकि बचपन से ही उनके खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी डाइट पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके पालन पोषण पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हम ना आपके बात में कुछ जोड़ना चाहेंगे संतु जी। हट रहे, हट, इधर आओ। संतु जी सब जितना कुछ आप बताए ना ये सब नया नहीं है, ये सब तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। सच में हमारे यहाँ की माए आज भी अपने बेटा सबको ना परात में इसे खाना सजा के उसके सामने लेकर जाती है, और वही उनकी अगर बेटी ठीक ठाक खाना खाए ना तो दिन भर उसको कोसती रहती है कि देखो कैसी लड़की है, दिन भर चबर चबर करती रहती है, खाएगी मोटी हो जाएगी फिर शादी नहीं होगा। और ये सारा खरी खोटी ये सब ताना लड़की की माँ उसको इतना बार देती है ना कि एक वक्त के बाद लड़की खुद से ही मान लेती है कि ज्यादा खाना खाना पाप है। इसका मतलब ये है कि वृंदा की सास भी इन्हीं सब परिस्थितियों से ही गुजरी होंगी, उन्होंने भी यही सब झेला होगा। और मैडम सर आपने हमें क्या बताया था, वो वृंदा की जो ननद है क्या नाम है उसका, शीला, शीला के घर में भी कुछ ऐसा ही होता है, उसकी माँ जो है किशोरी वो उसको ठीक से खाने पीने नहीं देती है, और रात को जो है वो घर का खाना ज्यादा खा नहीं पाती क्योंकि पहले लड़का खाना खाता है फिर जो बचा कुचा होता है वो पूरा पड़ता नहीं है, ये सब कुछ बताया था ना आपने। हाँ वैसे कुछ बोली तो थी। तो मिल गया हमको युक्ति, इस झगड़ा में ना बहुत कुछ सोच गया हमको, हमको फटाक से वृंदा के घर पे जाना है और इस मामले को जड़ से खत्म करना है। हमें खुशी है कि आखिरकार हम आपको वो समझाने में कामयाब रहे जो हम समझाना चाहते थे। आप बिल्कुल सही जा रही हैं करिश्मा सिंह, ये केस सही राह पर है। चलिए तुमको दिखाते हैं कि जब मैडम सर का सोच काम करता है ना तो कैसे सब कुछ बदल जाता है, मैजिक हो जाता है। चलिए चलिए पुष्पा जी, चलिए चलिए चलो। क्या हुआ बेटा, चिल्ला क्यों रही हो? ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? मैंने बुलाया है। देखिए ना माजी, मेरा कलेवा फिर से चोरी हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं भाभी, यहाँ से आपका कलेवा कौन चोरी कर सकता है? ये शीला, शीला ने चुराया है मेरा कलेवा। ये आप क्या कह रही है भाभी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं चुराया आपका कलेवा, सच्ची। शीला की जवानी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, नाटक करके पब्लिक सब सच जानती। कलेजे में मिर्ची मिलाई थी। कलेवे में? वेरी गुड। तो मिर्ची खा के रात भर कौन हिचकिचाता रहा? तू ही ना, सबने सुना। तो फिर कलेजा चोर कौन हुआ? चला हाँ चला। नहीं नहीं, कलेवा चोर वो नहीं, मैं हूँ। किशोरी अपने ही घर में चोरी, वो भी खाने की, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इन्हें कुछ भी कहने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप इस सब के जिम्मेदार है आप। और पुरुष प्रधान का ये सोच कि लड़का जो होता है वो कुलदीपक होता है और लड़की जो होती है वो घर का अंधेरा होता है, ये जो आपकी दकियानुसी सोच है ना मर्दों की कि पहले जो है घर में मर्द खाना खाएंगे फिर औरत खाना खाएंगी, औरत के लिए भले ही खाना बचे या ना बचे, वो खाली पेट सो रही है या भर पेट सो रही है, इससे आप लोगों को कोई मतलब भी नहीं होता है। फिर शीला और शीला जैसी हजारों लड़कियां ऐसे मर मर के जीती है, फिर वो ससुराल जब जाती है तो फिर खाना चुराती है, या फिर जब सास बन जाती है तो बहू का कलेवा चुराती है। क्या करेंगी वो, जिंदगी भर वो ऐसी मर मर के जिए, खाली पेट सोई है तो कहीं तो भड़ास निकालेंगी ना अपनी, तो भड़ास ऐसे निकलती है। समझ रहे हमारी बात को आप? बड़ी आसानी से भूल जाते हैं लोग कि एक औरत का स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, क्योंकि वो पूरे घर को संभालती है, अपनी जिंदगी से किसी और को जिंदगी देती है, इस पूरे वंश को आगे बढ़ाती है।
तो घर के लेडीज लोग हेल्दी रहेंगे तभी तो घर हेल्दी रहेगा ना। इसलिए अपने घर के बेटों की तरह ही अपनी बेटियों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि एक औरत का स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, और तब जाकर शायद एक दिन कभी भी किसी भी घर का कलेवा चोरी नहीं होगा। आप सही कह रही है, जो मेरी माँ ने मेरे साथ किया था आज वही मैं अपनी बेटी के साथ कर रही हूँ। अपने ही घर में मैं चोर बन गई हूँ, कल को वो भी सास बनेगी और वो भी वही करेगी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, माफी हमें मांगनी चाहिए। मैडम ठीक कह रही हैं, हम अपनी बेटियों को जैसा पालेंगे आगे वो समाज को वैसा ही तो देंगी ना। आज से हम सब मिल बैठ कर एक साथ खाना खाएंगे और कोई भी किसी के लिए भूखा नहीं रहेगा। चलो इसी खुशी में मुंह मीठा करते हैं। जी चलिए। मैं लेके आती हूँ बाबा। नहीं, आज तुम लोग बैठो, आज हम लोग लेके आते हैं। हाँ चलिए बाबा। बहुत 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 बढ़िया खीर थी, अब आप लोग हमें इजाजत दीजिए, चले। थैंक्स मैम। आपकी और आपकी पूरी टीम के लिए मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ये तो बनता है। शहर की सभी महिलाओं को सूचित किया जाता है कि इस रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर हमारे थाना के परिसर में एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम होने वाला है, जिसका प्रचारण सीधा टीवी पर किया जाएगा। आपसे निवेदन है, आप आए और थाने का शोभा बढ़ाएं। यहाँ चाय पियेंगे पुष्पा जी, यहाँ रोकिए आप इधर। थोड़ा और जोर से मार लेती तो घर ही पहुंच जाते। सही है। का सही है? नहीं मतलब चीखने चिल्लाने वाले काम आप कितना अच्छे से कर लेती। चलो, वैसे अभी भी लाउड स्पीकर की क्या जरूरत थी? भगवान ने आपके गले में लाउड स्पीकर फिट करके भेजा ही है। अच्छा पुष्पा जी, जब तक आप हमको सुना नहीं लेंगी तब तक आपका दिन कैसे बनेगा? प्रलय आ जाएगा ना आपके जीवन में। पूरा दुनिया जानता है कि लाउड स्पीकर किसके गले में फिट है। जब पौवा लगाती है ना आप रात को छत पे चढ़ के पूरे मोहल्ले को जो सुनाती है, जब आप हमारे घर वालों को याद कर रही होती है सब सुनते हैं। मैं हमको नहीं चाहिए। मत, दांत निकाल रहा है। और आप कौन सा कम है? सहारनपुर वाली बुआ की शादी में आपने क्या किया था? आपने भी तो वहाँ टंकी पे चढ़ के हमारे खानदान की माँ बहनों को मिलवाया था आपस में। हाँ, आप कौन सा कम कहर डालती है? हमको बहस करना ही नहीं है आपसे। हाँ तो हमको भी कहाँ आपके साथ बहस करनी है? आपको कुछ काम दिया था हमने, उर्मिला के लिए वो स्पीच रेडी करना था उर्दू वाला, वो हुआ आपसे? हाँ तो दिखाइए फिर, सुनाइए ना। चाय तो पी लेने दीजिए। आए हुए सभी मुआज़िज़ मोहसिन हजरत का हम एसएचओ हसीना मलिक तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। एक मिनट, क्या हुआ भाई? जाइए काम कीजिए, अपना काम कीजिए ना। अब किसके गले में लाउड स्पीकर है? आराम से ना। हाँ पढ़ रहे ना, तो थोड़ा पढ़िए। आज की इस पुरकशिश पुरअसर पुरनूर शाम में आप सबका खैर मकदम है। यकीन जानिए आप सबको यहाँ देखकर ऐसी सुहानी खुशी महसूस हो रही है कि हम क्या ये स्पीच तो है, लेकिन ये कौन कौन लिख के दिया आपको ये इतना भारी भारी उर्दू? कौन? अब्दुल, वो पेंटर? हाँ। इसकी मैया का, वो बीच बीच में शायरी भी करता है ना, तो हमने सोचा बच्चे से लिखवा लेते हैं थोड़ा सा। इतना भारी भारी उर्दू जो हसीना मैडम खुद नहीं बोली है वो वड़ा पाव वाले बोल जाएगी। हाँ तो कुछ हल्का फुल्का उर्दू समझनी है। मैडम सर जैसा बोलती थी वैसा स्पीच लिखवाइए। जब वो बोलती थी ना तो उनका बात एकदम दिल में उतरता था, वैसा कुछ होना चाहिए ना पुष्पा जी? हाँ कोशिश करते हैं।
क्या महिलाएं आजाद है नहीं? क्या चल रहा है ये सब? लड़की होके तुम ये सब चिपका रही हो काहे? क्योंकि यही सच है मैम। नाम क्या है तुम्हारा? पल्लवी शर्मा। पढ़ी लिखी लड़की लग रही हो तुम। तुमको तो पता होना चाहिए पूरी तरह आजाद और आत्मनिर्भर रहने के अधिकार दिए हैं हमें हमारे संविधान ने। यही तो लेडीज को इतने सारे अधिकार दे के रखे हैं। एक खूबसूरत लेडीज की खूबसूरती की तारीफ भी नहीं कर सकते। अगर कर दिया तो डर लगता है कि ये कानून कहीं तारीफ के इल्जाम में हमारी तशरीफ ना सुझा दे। माँ, पहले मुझे भी ऐसा लगता था माँ। मैं भी मानती थी कि हमारे देश में औरतों का बहुत सम्मान किया जाता है। हमारे लिए ऐसे कानून बनाए गए जिससे हमें बहुत सुरक्षित एहसास दिलाया जाता है। मैं तो कॉलेज में औरतों के अधिकारों के लिए लड़कियों को मोटिवेट किया करती थी, लेकिन फिर एक दिन मेरी बोलती बंद हो गई। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? सोल्ड फॉर 48,000? इस ऐप के बारे में मैं जानती हूं। इस ऐप में इलीगली औरतों की नीलामी होती है और इस ऐप का नाम बोलती बंद ऐप है ना? बोलती बंद ऐप? अम्मा ये कौन सा ऐप है? एक मिनट, ये देखिए मैडम, पिछले कई महीनों से ये जो ऐप है इंटरनेट पे काफी वायरल चल रहा है। इसमें देश भर के किसी भी लड़की के सोशल अकाउंट से उसकी फोटो ली जाती है और इस साइट पे डाली जाती है। फिर दुनिया में कोई भी कहां भी बैठा हो वहां बैठा बैठा इस लड़की की फोटो पर बोली लगा सकता है। और ये ऐप सिर्फ और सिर्फ ऐसी घटिया मस्ती के लिए यूज होता है मैडम। और उस बेचारी लड़की को पता भी नहीं होता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसकी इज्जत के साथ इतना बड़ा, इतना भद्दा, इतना घटिया मजाक हो रहा है। हम सोच भी नहीं पा रहे संतु जी की जब इतना घटिया और ओछा हरकत के बारे में वो लड़की को या उसके परिवार वाले लोग को पता चलता होगा तो क्या गुजरता होगा उन लोग को। कौन टोपा इंसान है वो जिसने ये सब घटिया ऐप बनाया है? कौन है वो संतु, हमको बताओ। कोई नहीं जानता मैडम, क्योंकि सभी स्टेट की पुलिस और साइबर डिपार्टमेंट जो है ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये ऐप बनाया किसने है, लेकिन अब तक शायद कुछ भी पता नहीं चला है। हाँ, लेकिन ये जरूर पता चला है साइबर पुलिस से कि ये ऐप जो है वो इंडिया से ही ऑपरेट हो रहा है। इनफैक्ट हमारे शहर लखनऊ से इसे कोई चला रहा है। तो फिर साइबर डिपार्टमेंट ये ऐसा घटिया ऐप इंटरनेट से हटा क्यों नहीं देता? हाँ। नहीं पुष्पा जी, आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी? उन्होंने डेफिनेटली कोशिश की है, लेकिन जितने बार इंटरनेट से वो ऐप को डिलीट किया गया है उतने ही बार कोई उसे दोबारा अपलोड कर देता है। उसे कानून का कोई डर है ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं सकती इजीली। इसीलिए वो हर बार इस ऐप को डाउनलोड करके पुलिस को ये बताना चाहता है कि हम उसका ऐप बंद नहीं कर सकते। और पुष्पा जी, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि पहले वो महीने में सिर्फ 2 या 3 फोटो अपलोड करता था, लेकिन अब वो हर रोज फोटो अपलोड करता है, जैसे हमारी फोटो अपलोड कर दी। इसकी मैया की सासू मैया, खोद कर निकालेंगे हम इस टोपा इंसान को, तुमको बता रहे हैं हम, बारात निकालेंगे पूरे लखनऊ शहर में। हिम्मत कैसे हुआ ऐसा घटिया हरकत करने का? नहीं मैडम, ये केस हमारे थाने का नहीं, ये केस साइबर डिपार्टमेंट का है। वो कोशिश कर रहे हैं ना, I'm sure वो बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे कि ऐप किसने बनाया है, क्योंकि साइबर डिपार्टमेंट के खुद के सोर्सेज है, खुद का तरीका है इस तरह के क्रिमिनल्स को टैकल करने का। लेकिन अगर होना होता तो अब तक वो क्रिमिनल अरेस्ट हो जाता। सारी दुनिया की साइबर पुलिस उसका अब तक पता नहीं लगा पाई। आपको लगता है कि मुझे इन पर अभी भरोसा होगा?
मुझे इसी सच के साथ जीना होगा कि मुझे मुझे कभी जस्टिस नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जस्टिस, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो, हम तुमको बता रहे हैं, हम सब तुम्हारे साथ है, पुलिस तुम्हारे साथ है और साथ रहेगी। और साइबर वाले भी हाथ में हाथ धरे बैठे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ जांच पड़ताल कर रहे होंगे उस कमीने तक पहुंचने का। तुमको इंसाफ मिलेगा, हम दिलवाएंगे तुमको इंसाफ। और ये करिश्मा सिंह का वादा, और ये पूरा शहर जानता है करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। भैया पान मिलेगा? चलिया। सर छल तो हम रहे हैं अपनी टीम को। सर माफ कीजिए लेकिन हम थक चुके हैं झूठ बोल बोल के, नाटक कर करके, अपनी ही टीम पर शक करके। सर प्लीज जितनी जल्दी हो सके हमें इस जिम्मेदारी से फ्री कीजिए और हमें हमारी पुरानी पहचान वापस दीजिए। सर मैं ऐसे नहीं कर सकता हसीना मलिक, जब तक हम उस गद्दार तक पहुँच नहीं जाते मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से आजाद नहीं कर सकता। ठीक है सर, कब तक और करना होगा ये? मेरे ख्याल से हम उस शख्स तक बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। इंटेलिजेंस को 26 जनवरी तक उस शख्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी जिसने मीरा को ओवरराइड करके तुम पर जानलेवा हमला करवाया ताकि हार्ड डिस्क हासिल कर सके। तब तक हमें ड्रामा करते रहना होगा। ठीक है सर। पान खाओ। माफ कीजिए सर, हम पान नहीं खाते। उर्मिला खाती है। करिश्मा सिंह। हाँ छोटी सानी बोल, कैसे याद किया मेरे को? तुम घर पर हो? हाँ हाँ मैं घर पर ही छे, किधर जाएगी? तू बाहर से ताला मार के गई ना, तो अब मैं भूतनी तो है नहीं जो चली जाएगी, घर पर ही छे। हाँ बस बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ अभी हमें डीएसपी सर के ऑफिस चल। तुम कुछ खा रही हो का? अरे भूख लग रहा था ना मेरे को, और मेरे को मुंबई की याद आ रही थी तो मैं मस्त गर्मा गर्म बड़ा तल के खा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ, हमें डीएसपी सर के ऑफिस चलना, हमारे तुमको लेने। ठीक है, और उसके बाद फिर अमीनाबाद लेके चलेगी ना घूमने को, बोली थी तो मेरे को। तैयार रहो, मार पहुँच रहे वहाँ पे। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सुनो तुम हमारा बात, हम तुम्हें आखिरी बार। मैडम सर। सॉरी 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 सॉरी। अरे कितना बड़ा ऑफिस है, इसमें तो अक्की धारा भी आएगी। हाँ ठीक है, हम डीएसपी सर के ऑफिस इसलिए जा रहे हैं ताकि हम उनसे अनुरोध कर सकें कि साइबर डिपार्टमेंट जो है उन पे दबाव डाले। हाँ और ये बोलती बंद, सुनो हमारा बात, बोलती बंद केस में थोड़ा गति बढ़ाए, इससे ज्यादा हमें कोई और बकवास नहीं करनी है, इधर उधर का कोई रायता नहीं फैलाना जिससे उनको शक हो कि तुम हसीना मैडम नहीं हो। समझ रहे हो ना हमारी बात को? ठीक है। अरे लेकिन मैं क्या क्या याद रखने का, वैसे मादरी ने मेरे को इतनी बड़ी स्पीच दी है याद रखने को, वो भी एकदम खल्लास उर्दू में। खालिस। हाँ वेरी गुड, अभी मैं वो भी याद रखूँ, ये तेरा सारा बातें भी याद रखूँ, क्या क्या करूँ मैं? तो तुमको जो वो 2000 रुपए रोज मिलते हैं वो तुम्हें वो पिट्ठू खेलने के लिए मिलते हैं, कुछ तो काम करोगी? आओ देख। ये चटक सानी, पहली बात तो ये कि पिट्ठू नहीं लगोरी होता है, दूसरी बात ये कि वो बैठ के नहीं भाग के खेलते, और तीसरी बात ये कि एक बार बता दिया काहे के लिए रिपीट टेलीकास्ट करती, सब याद रहेगा मेरे को, टेंशन नहीं लेने का, संतुलन बना के रखने का। चल सुनो सुनो सुनो, एसएचओ हसीना मलिक जा रही है डीएसपी सर से मिलने। हाँ अभी बरोबर। साइबर पुलिस इतना तो जानने में कामयाब हो पाई है कि बोलती बंद ऐप का मास्टरमाइंड हमारे लखनऊ शहर से ही ऑपरेट कर रहा है, पर अब इसके आगे क्या? अभी तक पुलिस अपराधी को पहचानने में सफल नहीं हो पाई है, तो अब आगे आपका इस केस में किस तरह से कार्रवाई करने का प्लान है? हम सब जानते हैं और आप सब भी जानते हैं कि पुलिस की अपनी कार्यशैली होती है, अपने तौर तरीके होते हैं अपराधियों तक पहुंचने के। आशा है इस केस में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। पर कब तक श्रीमान, कब होगा ऐसा? जब बोलती बंद ऐप बहुत सी बहु बेटियों की अस्मत नील जाएगा तब? ये सुन, ये तेरा डीएसपी तो पहले से इतने प्रेशर में, अपन इस पे और प्रेशर डालेंगे ना तो इसके जो मटका है वो फूट जाएगा। मेरी बात मान, कट लेते इधर से, चल चल चुपचाप खड़ी रहो तुम। जी देखिए, इस केस पर हमने अपने बेस्ट ऑफिसर्स लगाए हुए हैं, वो बहुत मुस्तैदी से, बहुत तेजी से इस केस पर काम कर रहे हैं,
आपके बेस्ट ऑफिसर ने अभी तक इस केस में ऐसी कोई सफलता प्राप्त नहीं की है जिससे शहर को उन पर भरोसा हो जाए कि इस बोलती बंद ऐप का जो मास्टरमाइंड है ये पकड़ा जाएगा। तो फिर आप किस आधार पर कह सकते हैं कि हमें जल्दी कोई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे? जबकि सब जानते हैं अपने तीन ऑफिसर्स की कार्य क्षमता से असंतुष्ट होकर आपने उन्हें सस्पेंड कर दिया है, कौन इस केस को संभालेगा? कौन है ऐसा जिसके नाम पर आम जनता भरोसा कर सके? हम संभालेंगे सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हम यहाँ प्रेशर देने आए हैं, लेने नहीं, तुम क्या बकवास कर रही हो ये? अरे चटक चांदनी टेंशन लेने का नहीं, जब अपनी रेकड़ी में से किसी एक ही रेकड़ी पर भी राड़ा होता है ना तो सारे रेकड़ी वाले इकट्ठा हो जाते हैं। यही तो सीखी है मैं, अभी वो इतना प्रॉब्लम में है तो अपने को साथ देना चाहिए कि नहीं? टेंशन मत ले, अपन संभालेंगे मिलके। अगर ऐसा है तो शहर को निश्चिंत हो जाना चाहिए क्योंकि हसीना मलिक की काबिलियत पर किसको संदेह हो सकता है? अगर इस केस को SHO हसीना मलिक संभाल रही है तो हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि बोलती बंद ऐप का मास्टरमाइंड बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग उम्मीद कर सकते हैं, अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। हमें पूरा भरोसा है हसीना मलिक पर। तो बोलती बंद ऐप के मास्टरमाइंड, अब ये केस हम सॉल्व कर रहे हैं। SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। अच्छा धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वैसे तो हम सब जानते हैं पर ये नहीं जानते थे कि आप भी इस केस में दिलचस्पी लेंगे, लेकिन एक बार फिर से सोच लीजिए। सोच लिया सर। हमारे अब्बू कहा करते थे कि कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए और अगर बोल दिया तो फिर पीछे हटना नहीं, इसलिए बोल दिया है सर तो करके दिखाएंगे। जो भी इंसान इंसाफ से महरूम है, डंडी संभालू और अपनी भाषा भी संभालू, महरूम नहीं महरूम। एक ही तो बात है। एक ही बात कैसी है? एक ही बात कैसी है? महरूम मतलब वंचित रहना और मरहूम मतलब लेट, दिवंगत, मर जाना। ए टकले, तेरे को इतना सब कोई से आता है? मैडम सर के साथ 2 साल रहा हूँ तो उनके संगत का असर है। चलो, जो इंसान इंसाफ से मरहूम हो गए हैं, मरहूम नहीं, तुम क्या बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हो? हाँ क्या बकबक करके आई हो तुम मीडिया के सामने? जो हुआ मुँह में आया बस वो फाड़ दिया मुँह से, ऐसे थोड़ी ना होता है। और यहाँ टाइम पास कर रही हो तुम? हाँ ए चटक चंदी, क्या लगता है टाइम पास करिए मैं इधर? अरे कितना मेहनत करना पड़ता है मेरे को तुम्हारा ये सड़ेला स्पीच याद करने को, ये नुक्ता लगा लगा लग के ना मैं ही चुकता हो गई है, नहीं करने का मेरे को, हटो। ए, क्या कर रही हो तुम? फाड़ो मत इसे, इतनी मेहनत से तो लिखवा के लिया है हमने। हाँ स्पीच होने के बाद इसको फ्रेम करके पुष्पा जी अपने टेबल पे रखेंगे। ए भग, ना तो किसने कहा था आ बैल मुझे मार? हाँ तुम करोगे केस सॉल्व, पूरा पूरा केस का जिम्मा अपने सर पे लेने के लिए किसने कहा था तुमको? हाँ तू इस तो बोली ना मेरे को कि हसीना मलिक के जैसा बर्ताव करने का, उसके जैसा पेश आने का, तो मैं वही कर रही है। देखो जितना मैं तुम्हारी हसीन दिलरुबा को समझी है ना, माला का वक्त की वो हर किसी के फटे में हमेशा टांग अड़ाती, तो मैं भी वही किया, क्या गलत किया? आणि सांगा मला, तुम लोग इधर खड़े होके इधर सबसे सल्यूट बिल्यूट लेते हो, बड़ा बड़ा बातें करते हो कि हम औरत लोग की मदद करते हैं, उनको इंसाफ दिलाते हैं, तो करो ना उस औरत की मदद, दिलाओ ना उसको इंसाफ, पकड़ो उस हलकट को और डालो उसको टकले का हुए के साथ जेल में। माँ मेरा वीक कब आएगा? बक सही बात है। नहीं नहीं नहीं, सही बात थोड़ी है, ऐसे थोड़ी ना इस केस में इंसाफ दिलाया जा सकता है। वही, ऐसे कैसे दिलाया जा सकता है जब उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है? इंसाफ तब दिलाया जाता है जब हमें अपराधी के बारे में कुछ पता होता है, कैसे दिखता है, कहाँ का लोकेशन है, कहाँ मिलेगा, यहाँ कोई इंटरनेट के पीछे छुप कर वो क्या खेला खेल रहा है, किसको कहाँ पता, कौन कैसे पहुँचेगा। अमा साइबर पुलिस वाले उस तक पहुँच नहीं पा रहे, संतु क्या उखाड़ेगी? ना उसके पास साधन भी तो होना चाहिए ना कुछ उखाड़ने के लिए, सस्ता सा लैपटॉप दिया हुआ है, वो कैसे हाईटेक वाले अपराधी तक पहुंचेगी, हमको तो कोई समझा दो। हाँ और अपनी संतु है भी थोड़ी आधा पावली कम। हैं मतलब? मुझे थोड़ी येड़ी और तुम लोग के पीछे। सही कह रही हैं आप मैडम।
सही कह रही आप मैडम, क्योंकि मैंने भी कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि बहुत शातिर है वो लोग। हाँ, ये जो साइबर वर्ल्ड है ना, बहुत नॉलेज है इस बारे में इनको। और है ना, मतलब ऐसे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप जो कह रही वो बिल्कुल सही है, हम ये केस सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बोलती बंद ऐप के मास्टरमाइंड, तुम जहां भी हो, जहां भी छुप कर बैठे हो, हम तुम्हें तुम्हारे बिल से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी बोलती बंद करेंगे। इसलिए तैयार रहो, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महिला पुलिस थाना आ रहा है तुम्हारा शटर बंद करने। सारे दिन आवारा गर्दी करते रहता है, न खाने का सोद, न पीने का। हाँ, ये ले, मैंने तेरे पसंद के आलू मटर बनाए। वाह, गर्मा गर्म खा ले। ये वो थानेदार नहीं है ना, महिला पुलिस थाने वाली? अरे वो अपनी पड़ोसन है ना कौशल्या, वो बता रही थी कि थानेदारनी ने ना अपने थाने में कोई खास कार्यक्रम रखा है, खासकर शहर की महिलाओं के लिए 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। आप जा रही हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाली। मैं क्या करूंगी वहां जाकर, अब मेरा क्या काम? क्या कर रहा है, खाना ठंडा हो रहा है तो खा तो ले पहले। आपने खाया? नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, तू पहले खा ले। आप खाइए, मुझे भूख नहीं लगी, मैं बाद में खा लूंगा। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं, ठीक है? अरे अच्छा, रिमोट तो देता जा। ये लीजिए, तो खाइए फटाफट। हाँ, मुझे चैलेंज दे रही हो हसीना मलिक, ओके, ऐसा है तो ऐसा सही। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं क्या चीज हूं। अभी मैडम सर आ रही है, उनको बताइए क्या दिक्कत है। अभी लीजिए। ले ले, आ गई जी, कहिए। जब से हमें पता चला है कि इस बोलती बंद केस को हसीना मैडम देखेंगी, तब से हम औरतों को बहुत तसल्ली मिली है। इस ऐप की वजह से सारी महिलाएं, हमारी बेटियां, औरतें, सभी बहुत ही डर रही हैं मैडम कि पता नहीं उनकी कौन सी फोटो इस बोलती बंद ऐप पर अपलोड कर दी जाए। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है मैडम। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आज इस पुरकशिश, पुर असर, पुर नूर शाम में आप सभी का खैर मदद है। आप सबसे मिलकर हमें रूहानी तरीके से एक खुशी का एहसास महसूस हो रहा है। अरे मैडम सर, ये सब कुछ आज ही बोल देंगे कि कल के लिए भी कुछ रखेंगे आप? कल क्या है? आज ही 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोग के थाना ने एक विशेष कार्यक्रम रखा है, आप लोग भी आइएगा। आइएगा, आप सब लोग आइएगा। तो ये कल भी यही बोलेंगे जो आज बोला इन्होंने? कल अलग स्पीच होगा, एकदम नया, तरो ताजा, फ्रेश। अच्छा, अब हम चलते हैं मैडम। चलो मैडम, अभी अभी बोलती बंद आपकी तरफ से सोशल मीडिया पे एक मैसेज अपलोड हुआ है, ये देखिए। कल के खास कार्यक्रम के लिए एक खास संदेश मेरा भी। कल के कार्यक्रम में जो भी महिला भाग लेने आएंगी, मैं उसकी प्रोफाइल ढूंढ ढूंढ कर निकालूंगा, उसकी फोटोज उठाकर अपने ऐप पर अपलोड करूंगा और फिर कल ही मैं उन सबकी बोली लगाऊंगा। ये चैलेंज है मेरा, दम है तो कार्यक्रम करके दिखाओ। माफ कीजिए मैडम, हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, आपके कार्यक्रम में आके हमें अपनी बोली नहीं लगवानी है। कल तो क्या, हम आपके कार्यक्रम में कभी भी नहीं आएंगे। चलो 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 रे अम्मा, ये चलिए, चलो चलो, चलो।